देखते हैं ये लड़ाई तो नहीं करते यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, सबके बर्ज भी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको बताया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीटी पेट व्लॉग। तो आज हमने ना यार ये मुर्गी लेकर आए हैं हम, ये ना सेवे वाली मुर्गी है, इसने जो है ना कूड़ा किया हुआ है इसने। तो अंडे हमारे पास ऑलरेडी पहले बैंटम के पड़े थे, हमारी ब्लैकी के, आपको पहले ही बताया था ब्लैकी के अंडे हमारे पास पड़े हैं। तो ये मुर्गी हम लेकर आए हैं, मुर्गी को ना इधर हमने छोड़ा है, तो ये देखें कैसे ना मज़े कर रही है, मिट्टी में नहा रही है। तो मुझे तो लगता है ये अंडे ही ना तोड़ दे कहीं, इसके नीचे अंडे रख तो दें लेकिन ये अंडे तोड़ ना दें। इधर इसको निकालते हैं, एक मिनट इधर आओ भाई। ये हमारे पास टोटल 7 अंडे हैं, ये हमारे पास टोटल ना 7 अंडे हैं हमारी ब्लैकी के। तो अभी इसके नीचे रखते हैं, हम देखते हैं क्या करती है ये हमारे साथ। एक अंडा अभी हमने रखा है, तो पता नहीं ये क्या करेगी यार, अभी ना पाँव मार रही है अंडे को, चूंचे मार रही है। ओहो, मुझे तो लगता है ये अंडा तोड़ के ही छोड़ेगी। तोड़ दिया, दोस्तों एक अंडा भी इसके नीचे रखा था हमने, आप देख सकते हैं इसने अंडा तोड़ दिया और अंडा सारा ना जो ना पी लिया इसने। यार ये मैं किसी दोस्त से लेकर आया था, उससे मैंने बोला था यार मुझे ना वो कुड़ी हुई मुर्गी दे दो, तो उसने मुझे ये वाली मुर्गी दे दी थी। आप देख सकते हैं इसने क्या किया यार हमारे साथ, इसने तो अंडा ही तोड़ दिया सारा, खुद पी गई अंडा। इसने बच्चे क्या निकालने हैं, ये देखें कैसे पाँव मार रही है, और इसने क्या बच्चे निकालने हैं यार। मुझे तो लगता है ये कुड़क नहीं हुई अभी, इसने तो अंडा ही तोड़ दिया यार। ये देखें एक अंडा हमारी बैंटम का जो है ना ब्लैकी का इसने तोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा अफसोस वाली बात है यार, इस मुर्गी ने हमारे साथ धोखा किया है, इसने अंडा जो है ना तोड़ दिया, अंडे पर बैठी नहीं। चलो खैर, अभी इसके नीचे जो है ना बाकी अंडे हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो अंडे पी रही है, ये अंडे तोड़ देती है, तो नहीं अभी इसके नीचे जो है ना हम अंडे नहीं रखेंगे, अभी इसे ऐसे छोड़ देते हैं, पार्क कर देते हैं, बस इसको बाहर छोड़ देते हैं। चलो जाएं बस, अभी आपके नीचे कुछ नहीं रखना। चिंटू मिंटू वाला केज खाली कर देते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं ये लड़ाई तो नहीं करते। नहीं, इधर हट यार, ये तो फाइट होगी इनकी दोनों की, ये मुर्गी और मुर्गे की, ये देखें। नहीं करो यार, ये दोनों की फाइट होगी, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइट होगी इनकी। नहीं चिंटू, नहीं करो, अच्छे बच्चे बनो। जब भी कोई आपके नए घर में आ जाए ना, तो आप ऐसे उसके साथ लड़ते हो ना कि जैसे उसको मारना हो आपने। चिंटू हट जाओ, अभी भी आपको कुछ नहीं कह रही, साइड पर जाओ। फिर चिंटू गंदा बच्चा है ना तू,
चिंटू वो मेहमान है हमारी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो मेहमान है हमारी। ये देखे दोस्तों, ये हम लेकर आए थे सिर्फ ना अपने जो है ना ब्लैकी के अंडों पे बिठाने के लिए। ये कुड़ुक हुई हुई थी, मुर्गी थी, तो ये मुझे लगता नहीं है कुड़ुक हुई है। ये हमारा चिंटू जो है ना इसे मार रहा है, ज़्यादा मार रहा है। ये फिर आ गए, अभी लड़ाई नहीं करनी, 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 लड़ाई नहीं करनी। आप भी नहीं, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं यार, लड़ाई नहीं करनी, साइड पर हट जाओ। चिंटू अच्छे बच्चे बनो, चिंटू आप अच्छे बच्चे बन जाओ, लड़ाई नहीं करनी, समझ आई ना? आप बहुत ज़्यादा गंदे बच्चे हो गए हो। अभी इस वाली मुर्गी को मैंने उठा लिया, तो इस वाली मुर्गी को जो है ना हम छोड़ देते हैं कहीं और, इसके अंदर छोड़ देते हैं, दाना पड़ा है, ये दाना खा लेगी बस। चिंटू और मिंटू दोनों इधर हैं, चिंटू की लड़ाई होगी इस वाली मुर्गी के साथ। क्या हो गया? कुछ नहीं होता। सुनो वाजी वाज, सुनो तो सर्कस में काम करने लग गई भाई। तो दोस्तों मास्टर केज के अंदर जैसे ही मैं आया हूँ ना, देखा है कि एक अंडा मास्टर केज के अंदर और आया है, तो ये नहीं पता ये अंडा किसने दिया, में से मुझे पता नहीं चल रहा किसने अंडा दिया है किसने नहीं दिया। कितने सारे माशाल्लाह हमारे पास बिजन है, ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत ज़्यादा कबूतर है हमारे पास, तो पता नहीं चल रहा किसका अंडा है या किसका नहीं। तो यहाँ पर अंडा पड़ा था जो मैंने उठा के इस वाली फीमेल के नीचे रख लिया है, आपको दिखाते हैं। ये 3 अंडों के ऊपर बैठी है, थोड़ा सा खड़े हो जाए भाई। ये देखिए माशाल्लाह, इसे ना ये 3 अंडों पे बैठी है, इसने तो पहले ही 2 अंडे दिए हुए हैं, ये अपने अंडों पे खुद बैठी है, एक इसके नीचे किसी के अंडे नहीं है। एक अंडा जो है ना वो इसके नीचे हमने अजाफी रखा हुआ है, इसमें से पता नहीं किस किस बिजन का अंडा है किसका नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा यार। तो मैंने इसके नीचे रख दिया, दुआ करें एक बच्चा निकल आए। तो हमारे मास्टर केज के अंदर हमने एक ब्लैक शेरनी और लेकर आए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा मुझसे डरती है, ये देखिए सामने आपको नज़र आ रही है, पहले वाली ब्लैक शेरनी इधर बैठी है, दूसरी जो है ना वो इधर इधर आई हुई है। ये भी फीमेल है, आप देख सकते हैं ब्लैक शेरनी जो इधर आई हुई है, इसने तो माशाल्लाह एक बच्चा भी निकाला हुआ है। तो दिखाएं भाई आपका दूसरा बच्चा आया या नहीं आया। इधर आओ भाई, इधर आओ भाई, अभी तो दोस्तों अंडा पड़ा है, अभी बच्चा नहीं आया, तो इंशाल्लाह बच्चा निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, क्योंकि बच्चे का ब्लड जो है ना पूरा था, ब्लड कम नहीं था। ये देखे हमने इस इधर आज ना जो घास है ना वो चारा वो डाला था हमने अपने कॉकटेल को, वो नीचे से देखें कैसे कैसे लग रहा है। इधर देखें सारा चारा जो है ना नीचे से बाहर आया हुआ है, हमने इसको आज चारा डाला था। ये बहुत शौक़ से खाते हैं यार, चारा भी बहुत शौक से खाते हैं। तो हाँ भाई बताएं, आपके बेबी ठीक हैं दोनों? इधर हटें थोड़ा सा, इधर हटें, तो माशाल्लाह ठीक है, ठीक है, आपके बेबी ठीक है, तो कोई नहीं, मज़े करो मज़े करो। ये देखें दोस्तों, ये था हमारा मास्टर के जिसकी वीडियो हमने आपको दिखाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी रोज़ की नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।